इस वक्त जो बड़ी खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर से, सबसे पहले वो आपको दे दें। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आतंकियों ने अचानक फायरिंग की। इससे थोड़ी देर पहले ही पुलवामा में भी आतंकियों ने सीआरपीएफ के एक बंकर को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। तो आतंकियों की फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलवामा में आपको बता दें सीआरपीएफ के एक बंकर को निशाना बनाया गया, वहां पर ग्रेनेड फेंका गया और वहां भी तो जानकारी मिल रही है सीआरपीएफ का एक जवान इसमें घायल हो गया है। तो जम्मू कश्मीर से दो अहम जानकारियां इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये दो जगहों पर आतंकी हमले हुए हैं। आतंकियों की ओर से ये फायरिंग की गई जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। बारामूला में आतंकी हमला हुआ है और वहीं पुलवामा की तस्वीर भी आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर सीआरपीएफ के बंकर को निशाना बनाया गया जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया है। खालिद हमारे संवाददाता इस खबर पर और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद, क्या अपडेट है इन दोनों ही जगहों पर जो आतंकी हमला हुआ है, क्या अपडेट, क्या नई जानकारी आपके पास? देखिए, दक्षिणी कश्मीर में जो ग्रेनेड हमला हुआ वहां भी तलाशी अभियान जारी है। वहां सीआरपीएफ का जो जवान है वो घायल हुआ है, उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लिया गया है। लेकिन इस घटना के तुरंत ही बाद बारामूला जो उत्तरी कश्मीर में पड़ता है, वहां बीच बाजार में एक केमिस्ट अर्जुमन नाम का व्यक्ति था, उसकी दुकान में कुछ अज्ञात मिलिटेंट घुस गए और उन्होंने ताबड़तोड़ उस पर फायरिंग की। बताया जा रहा है कि 5 गोलियां उसको लगी हैं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सिविलियन किलिंग है ये और इसकी हर तरफ से निंदा हो रही है और दिन दहाड़े ये हमला किया गया। इसके बाद इस इलाके को भी घेरे में ले लिया गया, तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि जो हमलावर थे मोटरसाइकिल पे सवार थे, उन्होंने वहां फायरिंग करके वहां से फरार हुए। नाके लगा दिए गए हैं और नाकों पर चेकिंग की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि दोनों जगहों पर जो हमलावर है उनको गिरफ्त में लिया जाए। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए खालिद आपका।